दक्षिण कश्मीर के जिले अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में एक कर्नल मेजर और कश्मीर के डीएसपी सहित तीन अफसरों के बलिदान ने देश को झकझोर दिया है। इस हृदय विदारक घटना पर नरसेवा नारायण सेवा संस्थापक व हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी ने बड़े चौराहे पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें विमल द्विवेदी व उनके सैकड़ों समर्थकों द्वारा इन तीन वीर अफसरों को श्रद्धा सुमन अर्पित व कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रख अपनी अश्रुपूर्ति श्रद्धांजलि दी गई। इस दुखद घटना पर विमल द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत में कहा, आतंकियों द्वारा किए गए इस कायराना हमले में देश ने तीन वीर अफसरों को खोया है और उनके बलिदान से हर देशवासी दुखी है। हम इन जवानों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। निश्चित तौर पर आतंकियों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकी हमले में सेना के 2 अधिकारी व 1 पुलिस अधिकारी शहीद हुए हैं। उनकी पुण्यात्मा की शांति के लिए हम सब उन्हें अर्थपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यह हृदय विदारक जो घटना हुई है, इससे हम सरकार से आशा करते हैं कि इसका मुंह तोड़ जवाब जो आतंकी पनाहगार है पाकिस्तान, उसको भारत द्वारा दिया जाएगा। और जिस तरह से हम सब अपेक्षा रखते हैं कि जल्द ही भारत सरकार पीओके पर एक निर्णायक निर्णय पर पहुंचेगी, हम सब आशा करते हैं भारत सरकार से, जिस तरह से हमारे सेना के जवानों पर हमला करके जो शहीद हुए हैं, उनके जवाब में जल्द से जल्द उन आतंकियों पर एक प्राणघातक हमला होना चाहिए। उनको भी ये सजा मिलनी चाहिए, उनके पनाहगार पाकिस्तान को भी इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। हम सब इसके अपेक्षा रखते हैं और मैं पूरे संगठन की ओर से कल शहीद हुए सेना के जवानों और पुलिस अधिकारियों को अस्पूरित श्रद्धांजलि देते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।